తీయకుండా ఎక్స్ రోడ్తో వెహికల్ చెకింగ్ చదవా ఆర్ మరి ఇన్స్పెక్టర్ సార్కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో కొడతీ నైట్ మే ఈ సస్పెక్ట్ పర్సన్స్ నైట్ మే ఏరియా ఉమ్రై మూల్కే ఆర్ వైట్నర్స్ గాంజా ఆర్ డ్రగ్స్ ఐసె చీజా వెహికల్స్ మే జారనికి పూరే వెహికల్ మే చెక్ కరే జార और सस्पेक्ट हुए दिखे तो उनको भी चेक करके इंक्वायरी करके भेजा रहे और व्हीकल्स कोई विदाउट नंबर्स व्हीकल्स है उनको वेरीफाई करके व्हीकल्स एक दो व्हीकल्स को जैसे पी एस को भेजा दिए उसको इंक्वायरी करते हैं। और नाइटों में ज़्यादा जो है माँ बाप बच्चों को सही तालीम नहीं देने से सही नहीं बताने वैसे पूरे चबूतरे में उधर उधर बैठ रहे मिलकर उन लोगों भी सबको रात के 11:30 बजे से हमारे पेट्रोल कार बीसीस पूरा एरिया मूवमेंट कर रहे हैं और सबको समझा दे रहे हैं। रात में घूमन को माँ बाप का जो सो परेशानी उन लोग परेशानी और जवान बच्चे हैं आप लोग और तुम्हारा लाइफ ख़राब नहीं कर लेना, अपने अपने घरों में रह जाना और तालीम कर लो, अच्छा पढ़ाई लिखाई कर लेना और गलत सोबत से नहीं जाना, उनको सब कुछ समझाया गया। और सबको जो है रातों में तकरीबन लगा रात के 11 बजने के बाद में ये फलकनुमा एरिया में अभी तक तो अमन शांति और सही
सुबह ने समझ के भी है, थोड़े हमारे एरिया में रोड शिटर उन लोग भी रात के 9 बजे के बाद अपने अपने घरों में रह रहे हैं। कोई ऐसा एरिया में फिर तो उन लोगों पर निगाह रखा गया और सस्पेक्ट ऑफेंडर्स वैसा कोई मल्टीपल उन लोगों भी चेक करा गया, आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं। ऐसा कोई अभी तक तो कुछ भी नहीं है और सुकून से चल रहा। और ये यही फलकनुमा ही नहीं है, हैदराबाद में पूरा शहर में व्हीकल चेकिंग रात में रखा जाता और जैसे हर जगह और नौजवान बच्चे रात में घूमने से अपना लाइफ खराब नहीं करना बोलते और जैसे इंतजाम कर रहे हैं। होटल पान शॉप खुले रखे जा रहे हैं, उनके ऊपर क्या एक्शन लिया जा रहा है? होटल पान शॉप जो है ठीक 12 बजे उन लोगों को ऑटोमेटिक बंद करा जा रहा और 12 के बाद अगर उन लोग 1 घंटा ऐसा क्लीनिंग करने के लिए अपना होटल में कोई अंदर जाना नहीं है, कोई बाहर आना नहीं, अपना बन के क्लीन कर लेके अपने अपने लाख डाल के घरों को चले आना। उसके बाद भी अगर मौजूद अगर कहीं भी खुला है पान शॉप हो, होटल्स हो, वाइन शॉप, कोई से भी चीज़ हो और ओपन रहे तो उनके ऊपर जो है वीडियो निकाल रहे और फेसबुक कर रहे और 1 से 2 बार वीडियो निकाल के कंपलसरी फेसबुक करते हैं। अभी एक गाड़ी PS को भेजा दिए और विदाउट नंबर रहने की वजह से हमारे इंस्पेक्टर साहब भी श्री देवेंद्र साहब भी मौजूद थे ऑफिसर, पूरा इंक्वायरी करके PS लिए क्या है क्या नहीं, उसको कोई सख्त था अभी तक तो ऐसा नहीं दिखा और सख्त चल रहा। ये ऑल स्टाफ रूम ठीक 12 बजे बंद हो जा रहे, उसके बाद अगर खुला रहे तो बराबर उनके ऊपर एक्शन ले जा रहा, केस भी बुक कर रहे और उन लोग 1 से 2 बार अगर फिट केस बुक करने का वैसी करने के वजह से उन लोगों को कोर्ट को ले जाते, कोर्ट से उनको पनिशमेंट मिल जाता। यंग यंग बच्चे के लिए यही है, ये वाइटनर ये मेडिकल शॉप में उधर इधर वाइटनर्स हो, ये ड्रग्स ऐसे चीज़ों में जाके अपना लाइफ ख़राब नहीं होना चाहिए। और बच्चे अपने अपने घरों में रह के अपने माँ बाप परेशान और जो सो उन लोगों भी परेशान हो रहे हैं, लिहाजा ये बच्चे जो है अपने अपने घरों में रहना चाहिए। 9-10 बस्ते जो है अपने घरों में रहना, रोडों पे नहीं आना और गलत सोबतों में जाके अपना लाइफ खराब नहीं होना।